हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, आज की स्टूडियो लेक्चर हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे रिसेंट वीडियो जाएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इज द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक वॉल है, मैंने ये वॉल मान लिया, अगर वर्टिकल वॉल है जिसके अगेंस्ट एक सीढ़ी खड़ी है की गई है। ये सीढ़ी में अगर मैं ये मान लूँ, अगर सीढ़ी अगर है और ये ग्राउंड है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई वो 10 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये सीढ़ी जो ग्राउंड है वो उससे कितनी एंगल बनाती है, ग्राउंड से 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ट्रायंगल ए बी सी बन गया, और यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जिनके एंगल्स हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, √3:1:2। यानी 60 डिग्री के सामने जो होगा वो √3 यूनिट होगा ए बी, और 30 डिग्री के सामने जो होगा बी सी का लेंथ वो 1 यूनिट होगा, और 90 डिग्री के सामने यानी हाइपोटेन्यूज कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। यानी ये साइड्स के रेशियो होंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हैं, तो ये उनके साइड्स के रेशियो बन जाएंगे। यानी जो हाइपोटेन्यूज है 2 यूनिट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दी हुई है हमें 10 मीटर, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 मीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जो फुट ऑफ लैडर है, यहाँ पे लैडर का जो फुट है सी पॉइंट है, फुट ऑफ लैडर की जो दूरी है वॉल से कितनी है, यानी हमें बी सी का लेंथ पूछा है कि बी सी की लंबाई कितनी होगी, तो ये कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू मैंने क्या निकाला, 5 मीटर। यानी बी सी की कितनी वैल्यू होगी, 1 यूनिट, जो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 मीटर के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, पी ट्वाइस एज एफिशियंट एज क्यू, क्यू टेक्स 12 डेज टू कम्प्लीट अ जॉब, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब। यानी क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी और क्यू दो लोग हैं, और जो पी की एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की दर होती है, तो जो पी की एफिशिएंसी वो क्यू से 2 गुना है। यानी एफिशिएंसी जो है हमारी, एफिशिएंसी वो पी से, पी की जो है क्यू से 2 गुना है, और पी और क्यू को सेम जॉब करना है, यानी टोटल वर्क जो है वो सेम है, पी जितने कार्य को करता है उतना ही कार्य क्यू करता है, और ये जो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। आप जानते हैं जब वर्क सेम होता है जो एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है उल्टा होता है, यानी एफिशिएंसी का अगर रेशियो 2:1 होगा तो टाइम का जो रेशियो होगा, यानी कितने समय में कार्य किया गया, उसका जो रेशियो होगा 1:2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू टेक्स 12 डेज टू कम्प्लीट अ जॉब, मतलब क्यू कार्य को 12 दिन में ख़त्म करता है, यानी समाप्त करता है। क्यू कितने दिन में ख़त्म करता है, 12 दिन में, 12 डेज। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 डेज, यानी 2 के 6 गुना है। यहाँ पे 1 के 6 गुना होगा, यानी उसी काम को पी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो अगर कोई कार्य है तो उस कार्य को अगर क्यू जो है 12 दिन में करता है, तो उसी कार्य को पी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब इफ़ दे वर्क टुगेदर, यानी अगर वो साथ काम करें तो वो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्या होता था कि जो पी है वो अकेले काम करता था और उस काम को वो 6 दिन में पूरा करता था, और क्यू जो काम करता था उस काम को, सेम काम को, वो 12 दिन में कंप्लीट करता था। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि अगर वो उसी कार्य को मिल के करें, यानी दोनों मिल के करें, तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। तो निश्चित सी बात है कि 6 दिन और 12 दिन से कम होगा। तो अब वो निकालते हैं हम, वो कैसे निकलेगा, पहले जो एफिशिएंसी है
तो नेट एफिशिएंसी हम निकालेंगे कितना होगा, नेट एफिशिएंसी, नेट एफिशिएंसी जो है यानी पी और क्यू कंबाइंड एफिशिएंसी, क्योंकि पी और क्यू साथ काम कर रहे हैं, उनको जो नेट एफिशिएंसी होगा पी का जो एफिशिएंसी 2 होगा और क्यू का जो एफिशिएंसी होगा 1 होगा, यानी 2+1 होगा एफिशिएंसी। और टोटल वर्क क्या है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क यानी पूरा जो कार्य है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कार्य क्षमता और उस कार्य को जितने समय में किया गया है उसको हम गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पे टोटल वर्क क्या आएगा, पी से निकाल सकते हो या क्यू से भी निकाल सकते हो। तो अगर क्यू से अगर हम निकालें तो ये 12 दिन में काम करता है और एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितना टोटल वर्क आ जाएगा, 12 × 1, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि अगर ये काम जो है, इस काम को पी और क्यू अगर मिल के करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 12। और इस बार क्या कर रहे हैं, पी और क्यू मिल के काम को कर रहे हैं, यानी जो नेट एफिशिएंसी पी और यानी जो नेट एफिशिएंसी है पी और क्यू की वो कितनी है, 2+1=3। तो हम क्या करेंगे, नेट एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, ये 3 4 बार जाएगा, 3 × 4=4, यानी कि उस काम को अगर पी और क्यू मिल के करें तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, 4 दिन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन 1+cos θ + 1+cos θ अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो ये कितना बन जाएगा, 1 − cos²θ = sin²θ। ये क्या, a² − b² 1² − cos²θ, यानी कि a − b × a+b ये बन जाएगा 1 − cos θ × 1+cos θ कितना होगा। इस sin²θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin θ × sin θ। अब क्या मैं करता हूँ, 1+cos θ को इधर शिफ्ट करता हूँ और sin θ को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 − cos θ upon sin θ = sin θ upon 1+cos θ। यानी जो sin θ upon 1+cos θ की वैल्यू क्या है, आई है यहाँ पे 1 − cos θ upon sin θ। तो हमें ये क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करना, पुट कर देना। इसको पुट करने से क्या होगा, ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि LCM जो होगा वो भी साइन थीटा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो sin θ upon 1+cos θ की वैल्यू आई है यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं इसको, इसीलिए मैंने आपकी आइडेंटिटी बताई। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ sin θ upon 1+cos θ = 1 − cos θ upon sin θ + 1+cos θ upon sin θ, तो LCM यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, cos θ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 upon sin θ। इसको देखिए हम क्या कर सकते थे कि इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि वैल्यू पुटिंग में हमें चेक करना पड़ता है कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो मतलब उसको वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2-3 ऑप्शन से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये वैल्यू अगर हम पुट भी करें तो कोई आसान वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर मिलेगी नहीं। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप ये आइडेंटिटी यूज करें और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। यानी अगर ये आपको याद रहे, इसको आप रिमेम्बर कर लीजिए, अगर ये आपको याद रहे तो आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x = 7 − 4√3
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स इक्वल टू सेवन माइनस फोर रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर एक्स इक्वल टू सेवन माइनस फोर रूट थ्री है तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो वन अपॉन एक्स क्या होगा, इसको रेशनलाइज अगर मैं करूँ तो आप जानते हैं जब भी अगर इरेशनल फॉर्म में दो नंबर दिए हुए हों और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस ऑफ वन आए तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सिंबल को चेंज करके सेवन प्लस फोर रूट थ्री बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर का डिफरेंस चेक करूँ तो ये 49 माइनस 48 कितना होगा, वन के बराबर होगा। यानी डिफरेंस जो है स्क्वायर का वो वन आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेवन प्लस फोर रूट थ्री। अदरवाइज हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हम इसको वन अपॉन सेवन माइनस फोर रूट थ्री लिखें फिर उसको रेशनलाइज करें ऊपर नीचे सेवन प्लस फोर रूट थ्री और सेवन प्लस फोर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। इससे बेहतर यही होगा कि आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि जो ये दो टर्म है इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर वन आ रहा है तो वन अपन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेवन प्लस फोर रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा कि रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्स का रूट है और ये डिनोमिनेटर में भी एक्स का रूट है। तो क्यों ना हम पहले एक्स प्लस वन अपन एक्स निकाल लें। तो x प्लस वन अपॉन एक्स अगर मैं निकालूं, यानी इन दोनों को अगर ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, सेवन प्लस सेवन चौदह हो जाएगा। और ये फोर रूट थ्री क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा, चौदह होगा। तो x यहाँ को, यहाँ पे x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू चौदह। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड जो है टू ऐड कर देता हूँ। इसको करने से क्या होगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स क्या होगा, का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का जो फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर होगा, सोलह के बराबर। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स क्या की वैल्यू क्या होगी। तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू जो है वो रूट सिक्सटीन के बराबर होगी, यानी चार के बराबर होगी। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व इज, यानी एक एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो बारह के शुरुआती के बीस मल्टीपल्स हैं उनका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बारह के शुरुआती के बीस मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 इंटू वन, 12 इंटू टू, 12 इंटू थ्री, ऐसे करते करते 12 इंटू ट्वेंटी तक ही जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो आप जानते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्वेशन का योग और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन की संख्या होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कैसे निकालेंगे, ये जो मल्टीपल्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे और फिर क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20 है। तो हमें क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि ये क्या करेंगे, 12 इंटू वन निकालेंगे, 12 12 इंटू टू 24, अब ये क्या करेंगे, 12 प्लस 24 कितना होगा, ऐसे करके निकालेंगे। फिर 12 प्लस 24 कितना होगा, 36 होगा। फिर 36 प्लस 36 कितना होगा, ऐसे करके निकालेंगे और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि हमें यहाँ पे एक बात नोटिस करनी होगी कि यहाँ पे अगर मैं 12 जो है कॉमन ले लूँ, अगर 12 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 20। और यहाँ पे 20 से फिर हमें डिवाइड भी करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन टर्म्स क्या होते हैं, ये फार्मूला होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन टर्म्स अगर एक सीरीज फॉर्म करता है तो इसका सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। यहीं पे हमको ये करना है कि फार्मूला अप्लाई करना है
ट्वेल्व क्या होगा, ये क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या है एन ट्वेंटी है, यानी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी से कैंसिल आउट हो जाएगा, टू सिक्स जै ट्वेल्व, यानी कि ये कितना हो जाएगा छः कम छः, छः दूना बारह, यानी इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा 126 के बराबर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट रुपीज़ 320, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेंस 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार है, वो अपने किसी सामान को जो है वो उसका अंकित मूल्य कितना फिक्स करता है, 320 रुपये, यानी जो मार्क प्राइस होगा अंकित मूल्य वो कितना है 320 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें डाटा कलेक्ट करना है, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट करें, हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली उसको नोट डाउन भी करना है क्या क्या चीज़ें हैं डाटा में दी हुई। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 320 रुपये, और डिस्काउंट कितना है 10%, डिस्काउंट कितना है 10%, और क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट 10% देने के बाद भी वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है, प्रॉफिट कितना परसेंट है, लाभ प्रतिशत कितना है 20%। यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो 320 रुपये है, डिस्काउंट जो है वो 10% का है, और जो प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, वो कितना है 20%। तो हमें ये निकालना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना होगा, कि अगर वो अंकित मूल्य फिक्स करता है 320, फिर डिस्काउंट देता है 10%, और उसके बाद भी जो प्रॉफिट वो अर्न करता है वो 20% का। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करना है, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, ये अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी। यहाँ पे सीपी टू एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, यानी 100 माइनस 10, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% इज 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 90 इज टू 120, फिर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना 0-0 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तितली की 9, 3 चौको 12, यानी 3:4 क्या है, सीपी और एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:4, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है हमें, यानी जो 4 यूनिट है वो कितने के बराबर होगी, 4 यूनिट कितने के बराबर होगी, रुपीज़ 320 के बराबर होगी, क्योंकि जो 4 यूनिट है यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, मार्क प्राइस को, यानी अंकित मूल्य को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4×32,400। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 3 यूनिट, यानी कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी होगी 3 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 80 आई है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3×80 बराबर 240 रुपये, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देयर आर 90 क्वाइंस कंप्राइजिंग ऑफ 5 and 10 पैसे क्वाइंस, द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वाइंस इज ₹7, हाउ मैनी 5 पैसे क्वाइंस आर देयर। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो वैरायटी के सिक्के हैं, 5 पैसे और 10 पैसे के, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस है वो हमें कितना दिया हुआ है 90 क्वाइंस, और इन सारे क्वाइंस का जो वैल्यू है वो 7 रुपये के बराबर दिया हुआ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 पैसे के क्वाइंस कितने हैं, तो इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो,
फाइव पैसे कॉइन्स हैं, दो टाइप के कॉइन्स हैं, फाइव पैसे के और दस पैसे के। अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे जो 90 कॉइन्स हैं वो पाँच पैसे के हैं, तो पाँच पैसे कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल? 5 × 90 कितना होगा? 450 पैसे के बराबर, 450 पैसे के बराबर। और अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे 90 कॉइन्स अगर 10 पैसे के हैं, तो टोटल जो कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 90 900 पैसे के बराबर। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है कॉइन्स की, वो कितनी है? 7 रुपये। लेकिन यहाँ पे पैसे में, यहाँ पे रुपये में, तो हमें क्या करना होगा? यूनिट सेम करना होगा, क्योंकि जब भी हम मिक्सचर एनालिगेशन में ये दो वैल्यूज करके मिड वैल्यू निकालते हैं तो यूनिट सेम रखते हैं। तो ये 7 रुपये को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 700 पैसे के बराबर आ जाएगा। यानी जो मिड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो 700 पैसे के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है? डिफरेंस लेना है मिक्सचर एनालिगेशन में। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 900 और 700 का डिफरेंस कितना होगा? 200 के बराबर। यहाँ पे 700 और 450 का कितना डिफरेंस होगा? 250 के बराबर। अब ये क्या आ गया? ये 5 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे के कॉइन्स का रेशियो आ गया। यानी 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, उनके नंबर्स का रेशियो आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 × 20, 5 × 25। यानी 5 पैसे और 10 पैसे के जो कॉइन्स का रेशियो है वो 4:5 है। फिर आगे देखते हैं ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 90 कॉइन्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पास दो ही वैरायटी के कॉइन्स हैं, एक 5 पैसे का और एक 10 पैसे के। यानी कि जो अगर ये 5 पैसे के कॉइन्स 4 यूनिट हैं, तो 10 पैसे के कॉइन्स कितने? 5 यूनिट हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट बराबर 9 यूनिट। अरे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? पूरे कॉइन्स कितने हैं? 90 कॉइन्स। यानी कि ये कितने के बराबर होगा? 90 कॉइन्स के बराबर होगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 कॉइन्स के बराबर आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 पैसे की कॉइन्स कितने हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 कॉइन्स के बराबर है। तो यहाँ पे 5 पैसे कॉइन्स की कितने यूनिट के हैं? 4 यूनिट के हैं। तो 5 पैसे के कॉइन्स कितने के बराबर होंगे? 4 यूनिट बराबर 4 × 10 बराबर 40 कॉइन्स। यानी 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 40 कॉइन्स होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि ये बताओ कि 10 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं, तो 5 से 10 को गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 50 कॉइन्स। यानी फिर से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। 5 पैसे के 40 कॉइन्स हैं और 10 पैसे के 50 कॉइन्स हैं। यानी 50 प्लस 40 कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर 90। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट आर इक्वल। यानी कि 3740 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3740 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फर्स्ट पार्ट का हाफ है, यानी फर्स्ट पार्ट का जो आधा है वो बराबर है 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट का 1/3 कितने के बराबर है? 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट, यानी थर्ड पार्ट का 1/6। ये जो तीनों पार्ट है कुछ इस प्रकार बराबर है। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में, चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ है इन तीनों, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का जो वैल्यू है वही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें यही फाइंड करना है। यानी कि तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो निकालना होगा। वो कैसे आएगा? अगर मैं इन सारे को के बराबर मान लूँ तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा? 2k। सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा? 3k।
थर्ड पार्ट कितना आएगा 6k, यानी फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का कितना रेशियो हो जाएगा 2k इज टू 3k इज टू 6k। यहाँ से के k से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने के बराबर आया जाएगा 2 इज टू 3 इज टू 6। यानी 3740 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया और वो तीन पार्ट के रेशियो क्या होंगे 2 इज टू 3 इज टू 6। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो आया है वो फर्स्ट के नीचे, यानी कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फर्स्ट के नीचे 2 इज टू सेकेंड के जो नीचे नंबर है 2 इज टू 3 और थर्ड के जो नीचे नंबर 6 2 इज टू 3 इज टू 6। यानी हम डायरेक्टली यहाँ से इस फॉर्म में अगर कुछ हमें इक्वेशन दिया गया हो तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू 3 का जो रेशियो होगा वो फर्स्ट के नीचे वाले करस्पॉन्डिंग इज टू सेकेंड के नीचे वाला जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग इज टू थर्ड के जो नीचे वाला वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा। यहाँ लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए के मान के किया है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को हम 3740 को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया 2:3:6। तो आपसे पूछा कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप देखो 3740 जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर मैं जोड़ दूँ तो 3740 के बराबर आना चाहिए। यानी ये 2 यूनिट है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 3 यूनिट है और थर्ड पार्ट 6 यूनिट है। तो टोटल यूनिट कितना होगा 3740 के बराबर होगा। यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कितने के बराबर होगा 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 6 यूनिट कितने के बराबर आना चाहिए 3740 के बराबर, क्योंकि हमने 3740 को ही डिवाइड किया है। यहाँ पे फिर 2 + 3 5 + 6 11 यूनिट कितने के बराबर आएगा 3740 के बराबर आएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 3 33 11 44 11 00। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 340। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कितना है 2 यूनिट, यानी फर्स्ट पार्ट कितने के बराबर आएगा 2 यूनिट बराबर 2 × 340 बराबर 680। सेकेंड पार्ट कितने के बराबर आएगा 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट कितने के बराबर आएगा 3 × 340 इक्वल टू 1020। और थर्ड पार्ट कितना यूनिट है 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट कितने के बराबर आएगा 6 × 340 बराबर 6 × 24 6 × 18 20। यानी फर्स्ट कितना आ जाएगा 680, सेकंड कितना आ जाएगा 1020 और थर्ड कितना आ जाएगा 2040 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, पी बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹400 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट वुड हैव बी द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹460। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर पी ने कोई सामान खरीदा 400 का और फिर वो क्या करता है 10% के प्रॉफिट पे बेच देता है। और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो सामान जो उसने 400 में खरीदी थी अगर वो 460 में अगर बेचे तो उसको पिछले वाले लाभ प्रतिशत से अब के लाभ प्रतिशत से कितना कम मिलेगा, या तो उल्टा बोल सकते हैं कि ये जो लाभ प्रतिशत यहाँ से कमा रहा है वो कितना ज़्यादा होगा 10% से। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर 400 का सामान 460 का बेचेगा यानी कितना लाभ प्रतिशत आएगा वो निकालते हैं। ₹60 का लाभ हुआ है 400 पे, तो ये कितना आ जाएगा 15% का लाभ होगा। यानी कि अगर 400 का सामान 460 को बेचेगा तो 15% का लाभ कमाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि जो पहले वो क्या करता था कि 10% के प्रॉफिट पे बेचता था, लेकिन अब 15% के प्रॉफिट पे ₹460 वो सामान बेच रहा है। तो आपसे बस इतना पूछा है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत का होगा बढ़ोतरी कितनी होगी। यहाँ पे देखो 15% का लाभ हो रहा है, यानी 5% का ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो 15% माइनस 10% बराबर
5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर 14,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इफ ए सेव्स रुपीज 4,000 देन बी सेविंग विल बी। क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है उनके इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 के बराबर है और जो उनका एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च कितना है वो ए का 14,000 है खर्च और बी का जो खर्च है वो कितना है 10,000 और इनका जो सेविंग यानी बचत दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है, ए का दिया है क्वेश्चन में सेविंग, ए का जो सेविंग है वो 4,000 के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी का सेविंग क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला आपको समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस है कि अगर इनकम जो है वो हमेशा कितने के बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो आय कितने के बराबर होगा हमेशा खर्च प्लस बचत। सिंपल सी बात है, आय वही होगा या जो चीज़ खर्च करेगा और जो चीज़ बचत करेगा, यानी इन दोनों चीज़ों को मिला के कितना होगा, आय के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर जो ए का है वो कितना है 14,000, जो खर्च है ए द्वारा वो कितना है 14,000 और जो बचत है ए द्वारा वो कितना है 4,000। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ए का जो आय है वो कितना होगा, ए का जो आय है वो कितना होगा एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग या बचत। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है 14,000 प्लस सेविंग कितना है ए का 4,000, ये कितने के बराबर आ जाएगा 18,000 रुपये के बराबर आ जाएगा। यानी ए का जो आय है वो कितने के बराबर आएगा 18,000 रुपये के बराबर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी के आय का अनुपात कितना है 3:2, इनकम का जो रेशियो है ए और बी का 3:2 के रेशियो के बराबर है। यहाँ से देखो ए का जो अगर ये 3 यूनिट इनकम है अगर, तो ए का जो कितना यूनिट इनकम है 3 यूनिट और यहाँ से हमने ए का जो आय निकाला है वो कितना है 18,000, तो ये 18,000 के बराबर होगा और यानी कि एक यूनिट कितने के बराबर आएगा 3 × 6 = 18, 1, 2, 3 यानी एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितने रुपए के बराबर होगी 6,000 रुपये के बराबर आएगी। इससे हम बी का आय भी निकाल सकते हैं, तो बी का आय कितना होगा 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट कितना होगा बराबर, बी का जो आय है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आएगा 2 × 6,000 बराबर 12,000। यानी कि बी का जो आय है वो कितना आ गया यहाँ पे 12,000 और जो बी का खर्च है वो कितना है 10,000। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी सेविंग विल बी, मतलब बी का जो बचत है वो कितना होगा, तो बी का एक्सपेंडिचर खर्च कितना है 10,000 और बी का आय हमने कितना निकाला 12,000। यहाँ से देखो सेविंग कितना होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो बी का जो सेविंग होगा बी सेविंग या बी की बचत, बी सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी आय माइनस खर्च। तो आय हमने बी का क्या निकाला था 12,000 और जो इसका जो खर्च है वो कितना दिया हुआ है 10,000, 10,000 को हमने घटा लिया, ये कितने के बराबर आएगा 2,000। यानी बी का जो सेविंग होगा वो कितने, बी का जो बचत होगा वो 2,000 रुपये के बराबर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, वो चाहे GS का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।